डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया अध्याय, नई चीज, दैट इज प्रोबेबिलिटी। वैसे तो बेटा आप ये नाइन्थ क्लास में पढ़ के आए हैं प्रोबेबिलिटी, लेकिन फिर भी मैं इसको बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। आज का हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर प्रोबेबिलिटी का है, उसके अंदर मैं सिर्फ बेसिक पॉइंट पे बात करता हूँ। लेक्चर वन, इट कंटेन्स फाइव बेसिक पॉइंट ऑन प्रोबेबिलिटी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, क्या है प्रोबेबिलिटी। आप जिस चैप्टर को, जिस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं ना बेटा, आपको एटलीस्ट उसकी डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो जनरली क्या होता है, बोलचाल में ऐसा हम कह देते हैं कि प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी या चांस। देखिए ऐसा नहीं है बेटा, सारे की सारी पॉसिबिलिटीज को आप मेजर नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी बेटा मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जहां पर हम किसी भी पॉसिबिलिटी को, अगर पॉसिबल है तो उसको मेजर कर सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर मैं ये कहूँ तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बेटा मेजर ऑफ पॉसिबिलिटी या मेजरमेंट ऑफ पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना को मापना, ठीक है। संभावना को मापना ही प्रायिकता है, संभावना को मापना ही क्या है, प्रायिकता है। ये इसको हिंदी में ऐसा कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बेटा प्रायिकता। प्रायिकता क्या है, संभावना को मापना या संभावना का मापन, मेजरमेंट ऑफ पॉसिबिलिटी या मेजर ऑफ पॉसिबिलिटी। जितने भी चांस हैं कोई भी चीज़ को करने में, ठीक है। जैसे देखो एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। आपकी क्लास में चार स्टूडेंट हैं, ए बी सी डी, ओके। और मान लीजिए उनका एनटीसी, ये चार ऐसे बच्चे हैं आपकी क्लास के जो किसी एग्जाम के अंदर फर्स्ट डिवीजन ले सकते हैं या टॉप कर सकते हैं, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर परसेंटेज गेन कर सकते हैं। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि कितने बच्चों के फर्स्ट डिवीजन आने के चांस हैं, तो आप कहोगे सर चार बच्चों के फर्स्ट डिवीजन आने के चांस हैं। यानी कि आपने पूरी क्लास में से चार बच्चे वो चुने जिनकी आपको पॉसिबिलिटी लग रही थी कि भाई इन बच्चों की फर्स्ट डिवीजन आ सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पॉसिबल केस है, ये चार बच्चे फर्स्ट डिवीजन ले सकते हैं। अब यदि कोई ये पूछे कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा फर्स्ट डिवीजन आने के चांस सबसे ज़्यादा किसके हैं, तो ये सबसे ज़्यादा सबसे कम जो बात कर रहे हैं तो इनकी पॉसिबिलिटीज थी फर्स्ट डिवीजन की, उनको भी आगे रेक्टिफाई कर रहे हैं, आगे भी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कौन से बच्चे की ज़्यादा संभावना है फर्स्ट डिवीजन आने की। तो फिर वो जो मेजरमेंट होता है, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ए के फर्स्ट डिवीजन आने के चांस है 95%, बी के फर्स्ट डिवीजन आने चांस है 90%, सी के फर्स्ट डिवीजन आने चांस है 85% और इसके फर्स्ट डिवीजन आने चांस है 85%, इस तरह से। तो हमने देखो ये चीज़ दर्शा दी कि इतने परसेंटेज इनके चांस हैं फर्स्ट डिवीजन गेन करें। तो ये जो बेटा लिख रखा है ना, ये मेजरमेंट है कि किसकी कितनी कितनी पॉसिबिलिटी है फर्स्ट डिवीजन लेने की, इसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए। तो इसी तरह हमारा सेकेंड पॉइंट आता है बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, प्रोबेबिलिटी को सीखने के लिए आपको ये जानना ही होगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट बेसिकली है क्या, ठीक है बेटा। रैंडम एक्सपेरिमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जो एक्सपेरिमेंट वर्ड है ये तो आपने अक्सर सुना ही होगा बेटा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट तो क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है जिसका आपको पहले से ही रिजल्ट बेटा पता होता है, डेफिनेट को रिजल्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको अगर कोई केमिस्ट्री में ये कह दे कि H2O2 अगर आप उसमें रिएक्ट करेंगे, जो भी उनकी फेवरेबल कंडीशंस हैं, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर की कंडीशंस सारे हम दें, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनना है, तो आप सभी को पता है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की एज अ रिएक्शन हमारे पास क्या वाटर प्रोड्यूस होता है। इसी तरह और बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़ी है, या फिर फिजिक्स का देख लो, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर एक प्रिज्म रखा हुआ है, ठीक है, आपके पास एक प्रिज्म है, अगर हम इस प्रिज्म के ऊपर एक वाइट लाइट की रे पास करें और इस साइड अगर एक स्क्रीन लगा के ऑब्टेन करें, तो
तो आपको ये पता है कि वो जो वाइट लाइट है वो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो जाएगी बेटा। सेवन कलर का जो स्पेक्ट्रम है विबिग्योर वो फॉर्म करता है। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट था, मतलब आपको पहले से पता था कि प्रिज्म पे अगर वाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो आउटकमिंग जो लाइट होगी वो सेवन कलर्स में बायफ्रिकेट होकर एक बैंड देगी बेटा, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, सात रंगों का बना होता है, जिससे कंफर्मेशन होता है कि वाइट लाइट इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेवन कलर्स। ठीक है, ये केमिस्ट्री का था, ये एक्सपेरिमेंट था, ये फिजिक्स का था बेटा, ये भी एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो इस तरह के ये बेटा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, इनके पहले से हमें नतीजे आउटकम रिजल्ट पता होते हैं। बट मैथमेटिक्स में और स्पेशली जो प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट करते हैं वो बेटा रैंडम होते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑपरेशन या कोई भी एक्टिविटी हुज एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस, जिसमें भाई हम ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, लेकिन पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल आउटकम्स कैन बी प्रेडिक्टेड। इसको एक उदाहरण से समझते हैं, भाई मान लो आपने कॉइन टॉस किया, आपने कॉइन टॉस किया तो बेटा जब तक कॉइन आपका एयर में है तब तक आप ये तो नहीं कह सकते कि सर 100% हेड ही आएगा या 100% टेल ही आएगा, वो तो एक संभावना बनी रहेगी। बीमार में ये ग्राउंड है, इसके ऊपर एक कॉइन उछाल दिया मैंने, ये कॉइन क्या हो रहा है, रोटेट करता करता बेटा नीचे की ओर आ रहा है। जब तक ये जमीन पे गिर के सेट नहीं हो जाता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि उस पर हेड आने वाला है या टेल आने वाला है। हाँ, जब वो गिर के नीचे सेट हो जाएगा तब हम बता देंगे कि अपर फेस उसका हेड है या टेल है। तो मीन्स ये तो पता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बट ये नहीं पता एग्जैक्टली कौन सा आएगा। तो ऐसे जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक्टिविटी होती है, जिनके हम एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आउटकम क्या होंगे, उनको क्या बोलते हैं बेटा, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे टॉसिंग एक कॉइन हुआ या एक डाई, लूडो के अंदर इसमें जो डाई का यूज होता है बेटा, इस तरह से क्योंकि एकदम शेप में होता है, इसके टोटल 6 फेस हैं और आपको पता है इसमें डॉट लगा होता है 1, यहाँ पे डॉट लगा मान लो 2, एक पे डॉट लगा मान लो आपके पास 3, एक पे लगा आपके पास 4, एक पे 5, एक पे 6, है ना। तो जब इसको रोल करके छोड़ते हैं, थ्रो करते हैं, तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी डॉट का फेस आपको अपर मिल सकता है, लेकिन पहले हम कुछ नहीं कह सकते, केवल संभावनाएं जता सकते हैं कि ये हो सकता है। इसको कहते हैं बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगला आता है ट्रायल। ट्रायल होता है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। फ्रीक्वेंसी का एक सीधा सा मतलब होता है कितनी बार। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स। फ्रीक्वेंसी को क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स, यानी आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कितनी बार परफॉर्म किया, ये क्या कहलाता है बेटा, ट्रायल कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कॉइन को एक बार टॉस करता हूँ तो मैंने एक ट्रायल किया कॉइन को टॉस करने का, अगर मैं कॉइन को दो बार टॉस करता हूँ तो मैंने दो ट्रायल किए, अगर मैं कॉइन को तीन बार टॉस करता हूँ तो मैंने कितने ट्रायल किए बेटा, तीन ट्रायल किए। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मिंग की, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं। पॉइंट नंबर 4, सैंपल स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सैंपल स्पेस पता होना चाहिए। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका हम एक सेट तैयार कर लें, गैदरिंग कर लें, उनको सबको इकट्ठा लिख लें, तो वो जो आपके पास एक कलेक्शन तैयार होगा, जो सेट तैयार होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। उदाहरण से समझता हूँ, जैसे मान लो अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूँ तो या तो मेरे पास हेड आ सकता है या तो मेरे पास टेल आ सकता है, तो कोमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट में इनको एनक्लोज कर दो बेटा, ये सैंपल स्पेस तैयार हो गया किसके साथ जुड़ा हुआ, टॉसिंग एक कॉइन। अगर मैं एक डाई को थ्रो करता हूँ तो आपको पता है डाई थ्रो करने पर मेरे पास या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, मतलब आएगा ही नहीं वैसे कोई एक, तो इनको अगर हम कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं तो ये एक सैंपल स्पेस तैयार होगा बेटा, जो कि कौन से रैंडम एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है, टॉसिंग टॉसिंग अ डाई या थ्रोइंग अ डाई। उसके बाद आता है लास्ट एंड फाइनल पॉइंट अमरेंस के लेक्चर का बेटा, इवेंट। इट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब देखो सैंपल स्पेस आप जान गए क्या होता है, सबसेट मैं आपको बता देता हूँ बेटा क्या होता है। देखिए सबसेट क्या होता है, अगर किसी भी सैंपल स्पेस में से हम एक या एक से अधिक मेंबर्स को उठा के कोई नया सेट तैयार करें तो उसका बेटा सबसेट कहलाता है। सबसेट खाली ही हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसेट की डेफिनेशन ये होती है, जैसे देखो एक सेट है मेरे पास मान लो 1, 2, 3, तीन एलिमेंट का एक सेट है। मान लीजिए आपने एक बॉक्स के अंदर तीन कागज की पर्चियों पे 1, 2, 3 लिख के उसको रैप करके अंदर डाल दिया, दिख नहीं रहे वो नंबर, तो रैंडमली अगर आप एक नंबर उठाते हैं उसमें से तो आपको 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है। तो ये आपके पास एक सैंपल स्पेस है।
अब देखिए इस सैंपल स्पेस में सबसेट कहते हैं हम, जैसे मैंने इसमें से एलिमेंट एक उठा लिया, या मैंने दो उठा लिया, या मैंने फिर तीन उठा लिया, या फिर मैंने एक और दो उठा लिए, ठीक है, या मैंने दो और तीन उठा लिए, या फिर मैंने एक और तीन उठा लिया, या फिर मैंने सारे उठा लिए एक दो तीन, ठीक है, या एक खाली ब्रैकेट ले ली जिसमें कुछ नहीं, तो बेटा ये सारे के सारे इसके क्या है सबसेट। एक्चुअली इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए दो, इस इसको बोलते हैं सबसेट। बाकी डिटेल आप इसको 11th वगैरह में पढ़ोगे, हमें इतनी ज़्यादा गहराई में भी जाने की कोई जरूरत तो नहीं है। आप सिंपली ये समझिए बेटा कि जो सबसेट होता है वो सैंपल स्पेस के अंदर से एक या एक से अधिक एलिमेंट को लेकर एक नया जो सेट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इवेंट बोलते हैं उसका, और उसको सबसेट बोलते हैं, वही उसकी क्या कहलाती है बेटा, इवेंट कहलाती है, ठीक है। और इवेंट आपकी बिल्कुल एम्प्टी भी हो सकती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक रहेगा। हाँ, इसमें मैं एक चीज आपको बता दूँ, जैसे देखो इसमें कितने एलिमेंट थे बेटा, तीन एलिमेंट थे, इसके टोटल कितने सबसेट बने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, टोटल सबसेट आपके पास आठ बने। एक्चुअली होता क्या है, ये आप फॉर्मूला याद कीजिए, किसी भी सेट में अगर तीन एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे बेटा, आठ। आठ आया कैसे, दो की पावर तीन करने से आया, मतलब एक फॉर्मूला है। अगर एक सैंपल स्पेस ऐसा हो कि उस सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट बैठे हो बेटा, एन एलिमेंट्स बैठे हो, एक सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो, एन एलिमेंट्स हो, तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल कितने सबसेट बनेंगे, ये फॉर्मूला होता है बेटा टू की पावर एन का। कॉम्बिनेशन वगैरह के बेस पर इसको आगे प्रूफ करते हैं हर क्लासेस में। राइट नाउ आपके फॉर्मूला याद रखिए, तो जितने एलिमेंट हैं दो की पावर पे वो रख दीजिए, आपको टोटल नंबर ऑफ क्या मिल जाएंगे बेटा, सबसेट, और जितने सबसेट उतने ही क्या हो जाएगी इवेंट। तो इनडायरेक्टली ये फार्मूला किस चीज़ का होता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स निकालने का, ठीक है। अभी जैसे देखो कई बार मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा एक क्वाइन को टॉस किया जाता है, एक क्वाइन इज टॉस वंस, हाउ मेनी इवेंट्स आर एसोसिएटेड, तो बच्चे कहते हैं सर दो इवेंट एसोसिएटेड है, एक क्वाइन को टॉस करेंगे, ठीक है ना। जब एक क्वाइन इज टॉस्ड, एक क्वाइन को आपने टॉस किया, फाइंड नंबर ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स की संख्या निकालो, तो बच्चा कहता है सर दो इवेंट, तो कौन कौन से, एक हेड और एक टेल, अरे तो पॉसिबल आउट कम है बेटा, इवेंट थोड़ी है। तो देखिए एक क्वाइन को जब टॉस करते हैं तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो एक सैंपल स्पेस आपके पास ही है। अब हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, टू एलिमेंट बेटा, तो अगर मुझे यहाँ से टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स निकालनी है कि इसके साथ कितनी इवेंट्स जुड़ी हैं, तो मैं ये देखूंगा इसके कितने सबसेट बनेंगे, और इसके कितने सबसेट बनेंगे, टू की पावर टू, और टू की पावर टू कितना होता है आपके पास, फोर। तो एक क्वाइन को जब एक बार टॉस करते हैं तो उसके साथ कितने इवेंट जुड़ी होती है बेटा, चार इवेंट जुड़ी होती है। अब इसमें डाउट आप लोगों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है, डेफिनेशन से ये है, और डेफिनेशन से ऐसे काम करती है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स निकालने का फॉर्मूला होता है टू रेज टू पावर एन, पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे, फिर ये देखिए उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, दो की पावर के ऊपर वो रखेंगे, तब जाके आपको क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स मिलेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं बेटा खत्म होता है। बेसिक जो है मैं आपको सेकंड में ऐसी प्रॉब्लम देने वाला हूँ,